चैनल कैसे हो आप सब लोग। सो फाइनली कियारा अडवाणी मेकअप ट्यूटोरियल आज का है रिक्रिएशन। ये सेकेंड टाइम है जहाँ पे मैं दोबारा इसको शूट कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं फर्स्ट एडिट कर रही थी तो मेरे बहुत सारे क्लिप्स मुझे मिल नहीं रहे थे, सो इस वजह से मुझे दोबारा शूट करना पड़ा। सो आई एम जस्ट लविंग दिस मेकअप। कैन यू सी दिस लाइक ग्लो ऑन माई फेस एंड लाइक ये कौन कौन सा प्रोडक्ट मैंने यूज करके ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, अगर आपको जानना होगा तो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियोस अपलोड करूँगी तो गाइज बहुत सारे जनों को नोटिफिकेशन नहीं जाता, उस वजह से मेरे जो वीडियोस है उसका अपडेट आपको मिलता नहीं है। सो गाइज मेरा ऑलरेडी स्किन केयर कम्प्लीट हो चुका है, सो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ मेकअप के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सो फर्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू प्राइमर। फॉर दैट टुडे आई एम यूजिंग दिस विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर। दिस इज द पैकेजिंग एंड ये वाला जो है मोस्टली आप वेडिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है, सो कैन यू सी दिस। इसमें ना थोड़ा सा ग्लोइनेस का भी टेंट है, लाइक ग्लो आपके फेस पे प्रोवाइड करेगा ये। एंड दिस इज माई करेंटली फेवरेट प्राइमर एंड ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग भी है, ये आपकी स्किन में हाइड्रेट भी प्रोवाइड करेगा। सो गाइस ये सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आप देख सकते हो मेरी स्किन में कितना ज़्यादा ग्लो आ चुका है। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस फॉर यू गाइस एंड ये जो बिगनर्स है डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। सो गाइस अभी हम मूव कर रहे टू फाउंडेशन, बट मैंने फाउंडेशन पिक नहीं किया था तो उसके बदले मैंने दो कंसीलर ऑर्डर किया था स्विस ब्यूटी से एंड दिस इज द टू कंसीलर एंड एक का शेड नंबर है 11 एंड एक का शेड नंबर है 5। सो मैं आपको दोनों स्वॉच करके बताती हूँ। दिस इज शेड नंबर 5 एंड दिस इज शेड नंबर 11। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट ये वाला जो है फर्स्ट वाला ये मैं एज अ कंसीलर यूज करती हूँ एंड सेकेंड वाला जो है एज अ फाउंडेशन मैं यूज करने वाली हूँ आज। सो ये शेड नंबर 11 है जो मैं फाउंडेशन की तरह यूज करने वाली हूँ एंड ये बहुत ज़्यादा इजीली ग्लाइड हो रहा है फेस पे एंड ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, ये मेरी स्किन को एग्जैक्ट मैच है। फाउंडेशन ब्रश के हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये वाला जो कंसीलर है मैं इसको एज अ डेली बेसिस के लिए ही यूज करती हूँ। सो गाइस मैंने जो जो प्रोडक्ट आज यूज करी हूँ इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ कि मैंने पर्पल से कौन कौन से प्रोडक्ट मंगाए थे। सो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन पे भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो एक बार चेक कर लेना। सो जो नेक्स्ट शेड है शेड नंबर 5 मैं उसको एज अ कंसीलर यूज करने वाली हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है कॉम्पैक्ट पाउडर एंड दिस इज फ्रॉम फेसिस कैनेडा शेड नंबर नेचुरल एंड ये मेरे स्किन को भी बहुत अच्छे से सेट करता है। यहाँ पर आज हम लोग ने क्रीम प्रोडक्ट यूज़ किया था, इस वजह से मैं फुल फेस पे इसको अप्लाई कर रही हूँ सो दैट एक थोड़ी देर के बाद वो क्रीज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यू आर मूविंग ऑन टू आई शेडो पैलेट। फॉर दैट आई एम यूजिंग द सिंगल आई शेडो कलर। सो ये है NYBAE ब्लिंकिंग आई शेडो टाइम स्क्वाड शेड नंबर 10 एंड इसका शेड बहुत ज़्यादा कॉपरिश कलर है। कैन यू सी दिस मेटालिक कॉपर टाइप उसका शेड है। सो मैं सिंगल आई शेडो यूज करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने क्लोजअप लिया है सो दैट आप देख सको। सो मैंने पहले आउटर वी पे अप्लाई किया है एंड धीरे धीरे मैं क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ।
After that, I am using Kajal. So for that, I am using this NY Bay, the Big Apple of Eye Kohl Kajal, and this is waterproof Kajal, water resistant, smudge proof, dermatologically tested, and इसका जो shade है वो jet black है. को swatch बताती हूँ. Like, can you see this? Like, मैंने एक ही swipe किया है and it is very much pigmented and ये बहुत ज़्यादा long lasting है. And after that, I am using this flat brush. Like, ये smudging के लिए use कर रही हूँ मैं. And ये जो lower lash है, मैं उसको smudge कर रही हूँ. So after that, I am using this color. So after that, I am using this Blue Heaven Lashes Twist Curl Mascara. This is the outer packaging. And अंदर से ऐसा है. वो कोट करने के बाद ही एकदम लैश एकदम अच्छे से कोट हो चुकी है. एंड नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू ब्लश. फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी अल्ट्रा ग्लो हाइलाइटिंग ब्रॉन्जर एंड ब्लश पैलेट. ये 3-in-1 पैलेट है. दिस इज द पैकेजिंग. इनर पैकेजिंग इस तरह है. मैं आपको तीनों का स्वॉच बताती हूँ. एंड ये 1 swipe पिगमेंट है. I'm applying bronzer. बहुत थोड़ा अमाउंट लेके एक्सेस पैक कर रही हूँ. कैन यू सी दिस? लाइक एक ही स्वाइप में कितना ज्यादा पिगमेंट है. गाइज, इसको यूज करते समय बहुत ज्यादा केयरफुल रहना क्योंकि ये बहुत ज्यादा पिगमेंट है. और एक ही बार अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट ले लोगे तो आपका जो फेस है बहुत ज़्यादा वियर्ड लग सकता है. सो आप थोड़ा थोड़ा लेकर ही काम करना. कॉम्पैक्ट पाउडर है, मैं उसमें से प्रोडक्ट ले रही हूँ. और इसको शार्प कर रही हूँ. जो कॉन्टोर है उसको मैं शार्प कर रही हूँ. नोज कॉन्टोर मैं फिंगर की हेल्प से ही कर रही हूँ. उसके बाद मैं यही सेम पैलेट से मैं ब्लश ले रही हूँ. एक्सेस टैप ऑन कर रही हूँ. और मैं ऐसे लगा लूं. कैन यू सी दिस? लाइक आई एम वेरी मच इम्प्रेस विद दिस प्रोडक्ट. लाइक ये पिगमेंटेड भी है एंड ये ना आपके फेस पे थोड़ा थोड़ा शिमरी पार्टिकल्स भी छोड़ता है. यही पैलेट से मैं हाइलाइटर भी पिक कर रही हूँ. एंड उसके लिए मैंने फैन ब्रश लिया है. Can you see this? Like, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ ये वाले पैलेट से. Lastly, I'm fixing my makeup. For that, I'm using this Beauty Color Professional Makeup Pro Fix. After that, I'm using this lip liner and this is in the shade like pink shade hai ye. Reddish pink shade hai. For lipstick, I'm using this NY Bay Red Carpet Dream in the shade number 13
एंड इसका जो स्वॉच है वो भी बताती हूँ आपको. सो दिस इज द शेड राइट हियर. ये एकदम पिंकिश, एकदम लाइट पिंकिश है, मॉव कलर. सो एटलीस्ट इसको 5 to 6 seconds देना पड़ता है ड्राई होने के लिए. उसके बाद ये एकदम मैट ड्राई हो जाता है. टिल देन आई एम यूजिंग दिस पिंक कलर बिंदी. गाइस ये लिपस्टिक ड्राई हो चुकी है एंड उसके बाद मैं ईबा की शेड नंबर A65 रूबी टच थोड़ा सा उसको यूज कर रही हूँ. सो गाइज दिस इज माई फाइनल लुक. इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव अ बिग थम्स अप, लाइक शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू. सो लव यू गाइज. आई विल मीट यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.